सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी की एक और नई वीडियो। काफ़ी दिनों बाद जो है हम रेनॉल्ट्स के शोरूम के अंदर आ गए हैं, जो कि एकदम नई कार जो है लॉन्च हुई है 2021 के अंदर, जो कि है रेनॉल्ट की किगर। और ये आर एक्स जेड टॉप एंड वेरियंट है, आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले पूरी वीडियो के अंदर। सिनेमैटिक्स इंजॉय कीजिए, उसके बाद हम कार के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heart be needed, skipping out. सो आज हम बात करने वाले इस आप कह सकते हैं क्रीगर के बारे में, जो कि है रेनॉल्ट का एकदम नया वाला वेरिएंट। और इसके अंदर जो है अभी 2021 का वेरिएंट जो है आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्विड के हिसाब से काफ़ी थोड़ी लंबी लगती है ये कार। इसका अगर आप आगे से बात करेंगे तो आगे से आपको जो है अलॉय व्हील्स का लुक देखने को मिल जाएगा। साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और 16 इंच के जो है इसके अलॉयज़ आप आगे देख सकते हैं। R16 की है इसके ऊपर ब्रांडिंग, रेनॉल्ट के लोगों के साथ में डायमंड कट अलॉयज़ है ये। और सीएट के टायर्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप एक बार लुक चेकआउट कीजिए। और इसके जो आगे के इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो है इंडिकेटर्स का ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। ये शायद इसके DRLs का ऑप्शन है। और अगर इसकी बात करेंगे अब हेडलैम्प्स के बारे में, सो इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। और इसके अंदर एक नॉर्मल सी आपको कह सकते हैं LED लाइट मिलेगी, जिसका रिस्पॉन्स मैं अभी आपको बता दूंगा कैसा दिन में इसका रिस्पॉन्स रहता है। बम्पर की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्लिक लुकिंग में जो है इसका बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और ब्लैक मैट फिनिश, सिल्वर क्रोम के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है। एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेनॉल्ट का लोगो। और इसका जो बम्पर का लुक है वो आप देख सकते हैं कैसा शानदार बम्पर का लुक है इसका। फिर आप अगर बात करेंगे इसके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट के बारे में, तो ये इसके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। और इसका जो आप देख सकते हैं स्कर्टिंग वाला लुक है इसके आगे की तरफ में, जो कि मैट फिनिश में है। और जो पूरा आगे से डिज़ाइन वो काफ़ी ज़्यादा यूज लगता है। और इसके जो हेडलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुकिंग में है, ब्लैक मैट फिनिश के साथ में आपको मिलता है। साइड लुक से बात करते हैं, सो साइड लुकिंग से आपको जो कार है वो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। इसकी जो आपको डोल टोन में आपको जो है कलर देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक प्लस ब्लैक लुक भी जो आपको ब्लैक मिलती है। जैसे आफ्टर मार्केट जाके लोग ब्लैक लुक पे जाते हैं ताकि इसकी उनकी जो कार है वो ज़्यादा स्पोर्टी लगे। ब्लैक कलर के आपके ORVM आपको देखने में मिल जाएंगे। RX-Z इसका टॉप एंड वेरिएंट है, अलॉयज़ का लुक आप चेकआउट कर सकते हैं। ORVM काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बड़े साइज़ के अंदर है, जिससे आपका विज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हालांकि कीलेस एंट्री का ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल लॉकिंग है आपके इस कार के अंदर।
और आप जो है ये एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इसलिए आपको ये पूरी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम साइड स्कर्टिंग्स की बात करेंगे तो इसमें भी जो आपको जो है ब्लैक लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आप स्कर्टिंग्स भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लुक है। यहाँ पर जो आपको प्लास्टिक की प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है, जिससे स्क्रैच होंगे वो आपके बॉडी पे ना होंगे, इस पर ही आएंगे। और इसको जो आप फेंडर देख सकते हैं वो भी आपको ब्लैक फिनिश में देखने मिलेगा। फ्यूल लीड का ऑप्शन ये है आपका। और अगर बात करें इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, तो इंटीरियर में हम बाद में चलेंगे। और पीछे से लुक जो है कार का, इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे से लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। पीछे की टेल लाइट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिक लुकिंग में मिलती है। इसमें जो छोटी छोटी आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, जिससे आपको जो है पावर कंज्यूप्शन कम होगा और रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रिवर्स लाइट में आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स में भी जो आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके रिफ्लेक्टर्स की बात करेंगे, तो इस तरफ में जो आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, टोटल आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो बम्पर है पीछे, आपको सिल्वर फिनिश में आप कह सकते हैं मैट सिल्वर का जो है आपको लुक दिया गया है इसके अंदर। और इसका जो साइलेंसर टिप है वो आप ये देख सकते हैं। और इसको जो अपन अभी इंटर के अंदर से देखेंगे, ये आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। और इसका जो आप कह सकते हैं डीप फॉगर और अपने रिवर्स के जो आपको वाइपर्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर की लुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। शार्प एंटीना भी आप जो है आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये जो है आपके रूफ रेल्स है, जो कि आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सो अभी हम जो है इंटीरियर के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो पहले आप इसके गद्दे की बात करेंगे, यहाँ पर आपको कपड़े की प्लेसमेंट मिल जाएगी, जिससे एक सॉफ्ट टच वाला एक प्रीमियम फील आपको मिलता है कार के अंदर। इसके जो आपके इनसाइड के नॉब्स है वो आपको ब्लैक आपके इसके पियानो फिनिश में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको हल्की सी ग्रे कलर की जो है आपको पूरी लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि आप स्ट्रिप्स कह सकते हैं। इसके जो ORVMs के कंट्रोल्स है वो आपको इस साइड में देखने को मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट करने का ऑप्शन है। ये आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, ये जो आपको पूरी विंडो लॉक या अनलॉक करने का ऑप्शन है। डोर पॉकेट्स मिलते हैं, 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको 6 इंच के इसके जो स्पीकर्स होते हैं उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। और हम अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं, उससे पहले एक बार जो है आप अपनी सीट का रिस्पांस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको नॉर्मल से आपको जो है एड्रेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि एडजस्टेबल है, बकेट फिट वाली जो पूरी फील है आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके कंपनी फिटेड वाले है, इसके ऊपर आप जो लगवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर ऑटोमेटिक जो आपको नहीं मिलेगी, आपको बटन्स वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले। और इसके अंदर जो है आपको पूरा अच्छे से सपोर्ट दिया गया है। सो अंदर की तरफ अभी हम एंटर हो रहे हैं, सीट को पूरी पीछे कर लेता हूं मैं। सो इसके बाद जो है आपको ये लुक आपको जो है कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑन करके देखते हैं। सो मैंने अभी जो है चाबी मंगवा दी है, उससे पहले जो आप इंटर का लुक जो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डैशबोर्ड का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बड़ा दिया गया है, जिससे एक प्रीमियम फील जो है आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। AC वेंट्स जो आपको आप देख सकते हैं कैसा मिलता है, AC वेंट्स जो आपको एकदम ग्रे फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर आप अगर बात करेंगे इसके आगे के जो है एक पैड रखा गया है, जिससे आप अपना फ़ोन जो है यहाँ पर रख सकते हैं वगैरह। ये जो इसका की का लुक है, नॉर्मल सी जो आपको की देखने को मिल जाएगी। और इसमें बूट ऑप्शन का है, लाइटिंग का है, सेंसर्स का है, लॉक अनलॉक का, नॉर्मल जो आपको रेनॉल्ट की हर गाड़ी में की मिलती है वो आपको की मिलती है। और ये जो है आपका कह सकते हैं आपके USB वगैरह लगाने का पोर्ट है। और इसमें जो आपको पावर स्टार्ट और स्टॉप बटन मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में जो है आपको AC देखने को मिल जाएगा। ये जो है इसका आप कह सकते हैं 7 या 8 इंचेस का आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं इसके अंदर, एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो के साथ में पूरा जो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाएगा विद रिवर्स के साथ में। और ये जो है इसके मोड्स कंट्रोल करने का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड, जो कि एक अच्छा फीचर है इस कार के अंदर।
अपना जो गियर नॉब है उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और छोटी साइज़ है, जिससे आपकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये जो आपको थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाएगा जिसे आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये जो आपका नॉर्मल सा हैंड ब्रेक है जो कि आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बात करेंगे इसके आर्मरेस्ट की, तो नॉर्मल सा आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि आपका अटैच हो जाता है ऐसे, और इससे ये जो है आपको मूवेबल नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको मिलना है। और इसका जो ग्लोव बॉक्स है आप चेकआउट कर सकते हैं नॉर्मल सा, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो आपको ग्लोव बॉक्स देखने मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी जो आपको एक ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपना कैन वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी ग्लोव बॉक्स इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का लुक है। और ये जो है इसका पूरा स्पीडोमीटर आप कह सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक है। फुल LED सेटअप है। ये जो आपके फ्यूल का ऑप्शन है, ये आपके टेम्परेचर का ऑप्शन है, और इसमें जो आप अपनी पूरी कार का लुक जो है इंजॉय कर सकते हैं। स्टेयरिंग कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम फील है इनका। नॉर्मल से है बाकी, लेकिन फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वॉइस कमांड भी जो आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा, हालांकि क्रूज़ कंट्रोल का कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता आपको। ये आपके MID वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ इसके स्टीयरिंग का लुक है। फ्लैट बॉटम आपको मिलता है, हल्का सा फ्लैट बॉटम है, जिससे हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसकी। और आई होप कि इसके अंदर जो है आपको टेलीस्कोपिक्स मिलता है आपको ये स्टीयरिंग व्हील। सो अभी हम जो है पीछे की डोर की तरफ जा रहे हैं, और पीछे की डोर में जो आपको पूरा स्पेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपनी 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। ये आपका जो है ट्विटर का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में जो आपको पूरा जो इंटीरियर आपको हर एक जगह टचिंग मिलेगी जो है पियानो ब्लैक फिनिश की। यहाँ पर आपके 6 इंचेस के जो है स्पीकर लग जाते हैं। इनका साउंड क्वालिटी भी अभी हम सुनने वाले हैं। और चलो अंदर चलते हैं, फिर हम बात करने वाले इसके लेगरूम्स के स्पेस के बारे में। लेगरूम स्पेस यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये सीट जो है पूरी पीछे कर ली थी, फिर भी जो आपको मेरे पास जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसेंट जो आपको कह सकते हैं कि मिलता है आपको लेगरूम। और रियर की तरफ में भी जो आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग पोर्ट के साथ में डोर पॉकेट्स मिलती है आपको, या फिर आप कह सकते हैं सीट पॉकेट्स। और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट भी जो आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ में। आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है इसका भी। टफ है, रिस्पॉन्सिव है, आप यहाँ पर अपने ग्लास होल्डर वगैरह आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं डिकी की तरफ, और डिकी में कैसा आपको जो मिलता है रिस्पॉन्स वगैरह, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। सो हम बात करें इसके बूट स्पेस के बारे में। पीछे जो आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है, ये जो आपको जो बूट स्पेस है आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको इसके अंदर। ये आपके कुछ लटकाने के लिए ऑप्शन है। 60-40 स्प्लिट आपको जो है कार देखने को मिल जाएगी। और डिके का लुक कुछ इस प्रकार से आपको जो देखने को मिल जाएगा। ये इसकी कैमरे की प्लेसमेंट है, और पूरा चेकआउट करते हैं। चलो म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर जो आपके DRLs वाला ऑप्शन है,
वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स का जो रिस्पांस है आप अभी देख सकते हैं, इसके जो लाइट्स है वो आप रिस्पांस कैसा है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्लीन लुक है। आप जो रिस्पांस है वो आगे की तरफ जो है चेकआउट कर सकते हैं, मेरे को पता नहीं विजिबल हो रहा है यानी जो ये आप रोशनी देख रहे हैं आगे की, ये जो है इस लाइट की रोशनी है, दिन में भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए पीछे की तरफ देखते हैं कैसा लुक मिलता है आपको। सो ये जो है इसका पीछे वाला लुक है और इसमें जो आपको पूरा लाइट का रिस्पांस आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो आपके इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, ये आपकी पूरी स्लिक लुकिंग लाइट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है। और रिस्पांस जो आप अभी देख सकते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है आपको। और इसके अंदर जो आपको वैनिटी मिरर है वो आपको को ड्राइवर साइड में भी मिलता है, और को ड्राइवर साइड में भी आपको जो है वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ की तरफ जो आपको एक और हैलोजन लाइटिंग मिलती है जो कि एक अच्छा फीचर है इसका। तो चलिए इसी साथ इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। सो अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, जो इसकी प्राइसिंग है उसकी बेस मॉडल एकदम RX ई वेरियंट आता है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 669,559। एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस होता है वो डिफर करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। और इसका एकदम टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल में आता है जो कि है टर्बो वेरिएंट, जो कि ये वाला वेरिएंट जो है टर्बो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 11,63,852 है, और इसकी भी ऑन रोड प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपकी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो आपकी ऑन रोड प्राइस होती है। सो विद दिस सेट गाइस, अब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी को। अगर आपको जो इस कार के म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट है वो सुनना है किसी पंजाबी या भी इंग्लिश सॉन्ग के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर मैं जो है इसका गाने का आउटपुट पूरा डाल दूंगा। तो चलिए इसी साथ इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी साथ इस वीडियो को एंड करें। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।